माय चैनल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोगों की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, लोग आपको कैसा इंसान समझते हैं। ये रीडिंग जनरल रहेगी, सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप मुझे बताना ना भूलें। साथ ही व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचते हैं या ये वीडियो आप तक पहुँचता है, ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगी, क्योंकि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, ज़रूर इसका कोई मतलब है। और ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, और चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप सिंगल हो, कमिटेड हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है, या आपकी क्रश की सिचुएशन हो, ऑफ कोर्स आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग्स प्रोवाइड करती हूँ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती रीडिंग्स के दौरान। तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी मैसेज मिस कर पाए, इसीलिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके व्यूअर्स, और आपके जो भी कमेंट्स आते हैं और आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, थैंक यू सो मच। ओके, एवरीथिंग इज अप्रिशिएटेड। और आप जो सजेशंस देते हैं, जी हाँ, मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि ऐसे कितने सजेशंस आ रहे हैं, कितने लोगों का रिस्पॉन्स है उन पर, तो मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो आज तो हम ये टॉपिक लेकर आए हैं कि लोगों की नजरों में आप कैसे इंसान हैं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा समय व्यर्थ किए। ये देखिए, ये पॉप आउट हो गया कार्ड। अब हम इसको लेते हैं, द लवर्स। लोगों की नजरों में आप कैसे इंसान हैं, हाउ डू दे सी यू, हाउ पीपल सी यू। Nine of Wands, Four of Wands, Clarify the Lovers, the Moon. ओके, क्लेरिफाई करते हैं नाइन ऑफ वैंड्स को। लेट्स क्लेरिफाई नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, फोर ऑफ वैंड्स को भी क्लेरिफाई करते हैं व्यूअर्स। Knight of Cups, Energy of Deck, Six of Cups, as you can see, तो लोगों की नजरों में आप कैसे इंसान हैं व्यूअर्स, यहां पर ऐसा लग रहा है कि लोग, पहली बात तो ये कि आपसे स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका ऑरा है, वो ब्लॉक नहीं है। तो जब भी आप किसी से मिलते हैं, वो इंसान जब भी आपसे देखते हैं आपको या आपसे बातें करते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जब भी आप किसी के आसपास होते हैं और आप उन्हें जानते नहीं हैं, तब भी आप उन्हें एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक ऐसी एनर्जी आपसे मिलती है जिससे पता लगता है कि ये इंसान स्पिरिचुअली कितना एक्टिव है, स्पिरिचुअली कितना अवेकन है। तो आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिव और अवेकन हैं गाइस, इसीलिए जो लोग आपको जानते नहीं भी हैं, उनकी नज़रों में भी वो सोचते हैं कि यू नो देयर इज समथिंग, ये कौन है, इनका नाम जानना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट जागता है उनका। आई एम सॉरी गाइस अगर कोई बैकग्राउंड साउंड ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, कोई अगर बैकग्राउंड साउंड है पीछे या कोई नॉइस आ रही है, आई एम सॉरी। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों पर अपना ध्यान दे पाएं। यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि लोग आपसे जब आपको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आपसे यू नो वाइब्स आती हैं, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स, और ऐसा लगता है काफ़ी लविंग वाइब्स आती हैं। तो इसीलिए लोगों के लिए बहुत आसान होता होगा आपसे पहली बार में मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें करना,
क्योंकि आपकी वाइब ऐसी है कि जो लोगों का हार्ट है वो मेल्ट कर देती है, तो आपकी एनर्जी से लोगों का दिल पिघलता है और वो आपसे आपकी किसी और से बात करते हैं तो आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखते रहते हैं, या कहीं और कुछ काम कर रहे थे तो आपकी तरफ ध्यान जाता है उनका और आपसे पहले से इंटरेक्शन करना शुरू कर देते हैं लोग, तो उनकी नज़रों में आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन है और आपकी वाइब काफ़ी पॉजिटिव है और आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनके साथ टाइम पास किया जाए, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लोगों की नज़रों में आप एक ऐसे इंसान नहीं हैं जिसे आज टाइम पास के लिए या अपने सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए यूज़ किया और देन वी कैन गेट सेपरेटेड फ्रॉम देम। लोग आपको ऐसा इंसान नहीं समझते, वो यह सोचते हैं आपके लिए व्यूअर्स कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही फैमिली पर्सन हैं, आप एक पारिवारिक इंसान हैं, यू आर अ वेरी डोमेस्टिक सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे शादी की जानी चाहिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैरिज मटेरियल हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ घर बसाया जाए, जो परिवार की रिस्पेक्ट करेगा, परिवार को बांध के चलेगा, फैमिली मैन है, फैमिली वुमन है, ऐसा इंसान है। तो आपको वो ऐसा समझते हैं और वो आपको इस चीज़ से डिस्कार्ड करते हैं कि आप ऐसे पर्सन हैं ही नहीं जिनके साथ टाइम पास किया जाए, आप एक ऐसे पर्सन हैं ही नहीं जिनको गलत नज़र से देखा जाए, और आप एक ऐसे पर्सन नहीं हैं जिनके साथ मज़े लेकर जिन्हें छोड़ दिया जाए या फ्लर्टिंग की जाए, सिर्फ ऐसे पर्सन वो आपको समझते ही नहीं। वो जानते हैं कि बिना किसी रीज़न के, बिना किसी रिलेशनशिप बेस के अगर आपके साथ कोई फ्लर्टिंग की गई या टाइम पास करने के लिए कोई ऐसा इंटेंशन रखा गया तो आप काफ़ी क्लियरली मना कर देंगे, काफ़ी आपकी शक्ल पे दिख जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और लोग आपके बारे में ये चीज़ अप्रिशिएट भी करते हैं। यहाँ पर लेकिन गाइस लोग आपके बारे में यह भी सोचते हैं कि आप इमोशनल और सेंसिटिव बहुत हैं। आई डोंट नो लोगों ने आपके साथ एक्सपीरियंस किया है या आपके बिहेवियर में ये चीज़ें दिखती हैं, लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हैं। आपको दुखी करना या आपको हर्ट करना बहुत ही मुश्किल नहीं है लोगों के लिए। आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, या आपसे रूडली बात कर ली जाए, रूड होकर और हल्का सा भी कुछ कह दिया जाए तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जल्दी हर्ट होती है। और इतना ही नहीं कि आप गुस्सा होते हैं, आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं बहुत जल्दी और आप बहुत सेंसिटिव हैं, इसीलिए आपको छोटी छोटी बातों का भी बुरा लगता है। तो लोग ये बात जानते हैं कि आपको छोटी सी बात हर्ट कर देती है, इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि आपसे कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे आपको हर्ट हो जाए। और अगर आपको हर्ट कर दिया गया तो ऐसा ना हो कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है वो आपके दिल से ही उतर जाए, क्योंकि लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं व्यूअर्स कि आप अगर किसी को प्यार कर रहे हैं तो बहुत करते हैं, किसी की केयर करते हैं तो बहुत करते हैं, उसको प्यार देंगे तो एकदम फैमिली वाला प्यार देंगे, नर्चर करेंगे, केयर करेंगे, उसकी रियल केयर करेंगे, जेन्युइन केयर करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, हर्ट करेगा, और आपके साथ इग्नोर बिहेव करेगा, आपको इग्नोर करेगा और आप अगर सोच लेंगे कि ठीक है ये इंसान को शायद मेरी ज़रूरत नहीं है और ये शायद मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप वहाँ से सिचुएशन से बैकआउट कर लेते हैं और उस इंसान को अपने मन से हटा देते, उसको मन से उतर जाता है वो इंसान। ऐसा नहीं है कि आपको दुश्मनी या कोई ग्रज रखते हैं, ऐसा नहीं है, आप कुछ रखते ही नहीं हैं उनके प्रति अपने मन में, आप उन्हें अपने मन से उतार देते हैं, आपका मन खाली कर देते हैं। तो लोग ये बात जानते हैं कि आप काफ़ी सेंसिटिव हैं, काफ़ी इमोशनल हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी आपको मैरिज मटेरियल ज़्यादा समझते हैं लोग, आपको आपके साथ शादी करने के लिए ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ टाइम पास और ये सब इन चीज़ों के बारे में आपको देखकर कोई सोचता भी नहीं है। यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड भी है, तो मैंने पहले ही कहा लोग आपको काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग समझते हैं, आपके साथ या आपसे बात करके या आपके आसपास उन्हें ऐसी वाइब आती है जैसे इंसान अपने घर लौट आया हो, बहुत ही होमली फीलिंग आती है उन्हें, ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस होता है जैसे बहुत ही कोई कंफर्टेबल जोन हो या फिर कंफर्ट जोन हो उनका, आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बातों से कह रहे हैं। देखिए जब हम किसी से बातों से कहते हैं ना कि आप अपना ध्यान रखिएगा, ज़रूर खाना खाइएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हमें आपकी बहुत फिक्र है,
तो कहते हैं ये बातें भी अच्छी हैं, लेकिन आप कहते हैं लेकिन आपकी वाइब से भी पता लगता है। कई बार मुझसे या आपसे कई लोगों ने ऐसा कहा होगा जो बहुत अच्छी और मीठी बातें होंगी, लेकिन हमको फिर भी उनके प्रति इतना इतना रिस्पेक्ट और इतना ज़्यादा क्या कहें, लव फील नहीं हुआ होगा, या हमें उनके प्रति इतनी ज़्यादा इतना झुकाव महसूस नहीं हुआ होगा उनके प्रति थोड़ा, क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है व्यूअर्स, क्योंकि वो वर्ड्स शब्दों से तो बोल रहे होते हैं लेकिन एनर्जेटिकली वो हमारे लिए सेम चीज़ फील नहीं कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर लोग आपके बारे में ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आप केवल कहते नहीं हैं, आपकी एनर्जी भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करवाती है। आपकी एनर्जी के आसपास अगर आप कुछ नहीं भी कहेंगे तो भी हम केयर, नर्चर और कंफर्टेबल वाइब, होमली वाइब ऐसा फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ट्रू नेचर ही है कि आप केयरिंग हैं। आप कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, पर आपकी जो रियल सेल्फ है, जो आपका ट्रू नेचर है, वो लविंग एंड केयरिंग ही है। आप यहाँ हैं ही इसीलिए कि आप लोगों को प्यार बांटेंगे, लोगों को हील करेंगे, लोगों को केयर करेंगे। आपका नेचर ही वो है। आप कितना भी अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं, वापस आप इन्हीं चीज़ों में दिखाई देंगे कि आप लोगों की केयर कर रहे हैं। इवन लोग कभी कभी आपको ऐसा डिच कर सकते हैं, आपको बिट्रे कर सकते हैं, बट स्टिल यू केयर अबाउट देम। आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, चाहे वो कितना भी पुराना दुश्मन हो या उसने कितना भी गलत किया हो। यू आर लाइक कि ठीक है, बस ये ठीक हो जाए, ये मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो ये है गाइस, यहाँ लोग आपके बारे में यह भी सोचते हैं पहली बात तो गाइस, लोग आपसे सोच समझ के बात करते हैं। कई बार लोग आपसे बहुत सारे सच छुपा लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, जस्ट बिकॉज आपको हर्ट ना हो जाए, आपको बुरा ना लगे। तो लोग बहुत ही कैलकुलेटिव होकर बात करते हैं आपसे, नॉट बिकॉज कि वो आपको धोखा देना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा आपके साथ हुआ होगा कि आपको बुरा ना लगे करके लोगों ने आपको काफ़ी झूठ बोल दिया होगा या मैनिपुलेट कर दिया होगा। बाद में आपको पता लगा होगा तो आपने सोचा होगा कि यार, अरे इससे अच्छा सच ही बोल देते आप, मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन लोग सोचते हैं कि आप उनसे दूर ना हो जाएं, वो लोग आपके मन से उतर ना जाए, इसीलिए वो आपको फॉर द टेम्परेरी टाइम वो आपको ऐसा झूठ बोल देते हैं कि आप बस हर्ट ना हो जाओ। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि लोग आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं। अगर आपने किसी से कुछ नॉर्मल बातें की, कुछ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन की, और वहाँ आपने ये चीज़ फील की कि ये इंसान शायद इंटरेस्टेड नहीं है, इस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, तो आप उस बात को लेकर रात तक सोचते रहेंगे। हो सकता है दो दिन भी सोचते रहें कि ऐसा क्यों किया उसने, हमारी तो अच्छी बातें होती थी, उसने ऐसी क्यों बात की। आप ओवरथिंक बहुत करते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, आप ओवरथिंक बहुत करते हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है और लोग आपके बारे में व्यूअर्स ये सोचते हैं, बाकी और कुछ नहीं। आपको बहुत ही क्यूट, लविंग ऐसा इंसान समझते हैं, आपको काफ़ी क्यूट समझते हैं लोग, लेकिन स्पिरिचुअल समझते हैं फॉर श्योर। ओके, तो ये थी गाइस रीडिंग के लोग आपकी, लोगों की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं। ठीक है, आपकी आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, आपका जो बिहेवियर है, आपके ट्रेड्स हैं, ये उससे मैच हुआ है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और व्यूअर्स, मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करके बताना भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी रीडिंग लेकर आऊँ आपको पता लग जाए। मैं रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी वीडियो मिस कर पाएँ। ओके, मुझे अपना फीडबैक दें, सजेशंस दें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।